आज स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान मुख्यालय राजीव भवन में हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ संगठन के पदाधिकारियों ने भी हवन कर राजीव भाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढ नड्वानाशुः सप्तेः पुरन्धर्योष जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। आज राजीव भाई जी का जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। यूं तो स्वदेशी का संकल्प हमारा हर दिन का संकल्प है और यह स्वदेशी का अभियान किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यह हमारे राष्ट्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। और स्वदेशी के जनक आधुनिक युग में हम चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहें जिन्होंने मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। यह जो हम स्वदेशी का गीत गाते हैं, यह गीत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गाया था और जन जन में स्वदेशी के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जगाया था और इसी संकल्प को फिर महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया, लाला लाजपत राय ने आगे बढ़ाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाया। और इस श्रृंखला में स्वर्गीय धर्मपाल जी इस स्वदेशी के संकल्प को उन्होंने बहुत ऊंचा बल दिया और प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम से भी पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी वस्त्रों से लेकर के स्वदेशी व्यवस्था की बात की कि विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य भी हमसे प्रीति करने वाला क्यों ना हो, न्याय करने वाला क्यों नहीं, वो भी हमें स्वीकार नहीं। तो स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, स्वदेश की संस्कृति सभ्यता, स्वदेश का स्वाभिमान और स्वदेशी व्यवस्था, देश की स्वाधीनता, इसका उद्घोष महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। उन सब महापुरुषों को हम याद करते हैं और अपने संगठन में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसने जीवन भर स्वदेशी को जिया और हम क्योंकि संगठन में जाति को प्राधान्यता नहीं देते और हमने इसलिए पहले इस राजीव भवन ही इसका नाम रखा था, लेकिन बहुत से लोग जिनमें बहुत ज़्यादा अभी भी जाति के आग्रह बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं, उन्होंने हमको हजारों पत्र लिखे कि दीक्षित लिखो, दीक्षित लिखो, तो हमने जो है राजीव दीक्षित भवन लिख दिया। हमारे संगठन में हमने एक परंपरा बनाई है और अपने जीवन में भी हमने एक आदर्श बनाया है कि हम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अपने नामों के पीछे नहीं करते और इसीलिए हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हों या राज्य प्रभारी हों उनके पीछे मैं स्वयं कभी भी जाति सूचक नामों का प्रयोग नहीं करता। इसके पीछे एक भावना है कि हमारी
पहचान मूलतः भगवान से होनी चाहिए। हम अमृत पुत्र हैं, हम ऋषियों के पुत्र हैं। जब हम अमृत पुत्र हैं, ऋषियों के पुत्र हैं, तो हमारी मूल पहचान ऋषियों से है, हमारी मूल पहचान भगवान से है। तो स्वर्गीय राजीव भाई के स्मृति में हमने भारत स्वाभिमान के मुख्यालय का नाम राजीव दीक्षित भवन रखा, और इसके पीछे प्रयोजन ये था कि हम अपने छोटे से लेकर के और वरिष्ठ कार्यकर्ता के प्रति बहुत गौरव का, आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं, और आज उनकी पुण्यतिथि भी है और उनका जन्मदिवस भी है। तो हम राजीव भाई के पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को, संगठन के प्रति उनकी अखंड निष्ठा को याद करते हुए एक संकल्प लें कि जो हमने स्वदेशी का संकल्प लिया है, इसको दूसरों को भी दिलवाएं। तो किसी किसी दिन किसी काम को विशेष रूप से करने से वो एक अभियान का रूप ले लेता है। तो हम इस रूप में कि औरों से भी स्वदेशी का व्रत दिलाएं कि देश का पैसा देश में रहे, आर्थिक दृष्टि से देश को हम स्वावलंबी बनाएं, सामाजिक दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, शैक्षणिक दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, हम उत्पादन की दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, प्रोडक्शन की दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, कृषि के क्षेत्र में देश हमारा स्वावलंबी हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हो, राजनीतिक व्यवस्था में हमारा देश स्वावलंबी हो, और सुरक्षा के संदर्भ में हमारा देश स्वावलंबी हो। जो ज्ञान शक्ति होता है वो देश ही विश्व की महाशक्ति बनता है। उस देश को ज्ञान के रूप में महाशक्ति बनाने के लिए, इसको जगत गुरु विश्व गुरु बनाने के लिए, गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के विश्वविद्यालय की एक बड़ी श्रृंखला अभी शुरू की है। और भारत सैन्य शक्ति में, ज्ञान शक्ति में, अर्थ शक्ति में महाशक्ति था। ये तीन बड़े केंद्र होते हैं किसी देश की महाशक्ति बनने में। जो देश ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति होता है, जो देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महाशक्ति होता है, नॉलेज पावर और इकोनॉमिक पावर, उसके बाद आता मिलिट्री पावर। आज अमेरिका ही देश ऊंचाई पर खड़ा है तो उसने अपने देश में बहुत बड़ा नॉलेज बैंक बनाया और अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई पर लेके गया। फिर ये परमाणु बम तो कोई भी बना सकता है, कोई ठटपुंजिया देश भी बना सकता है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क जिसमें आज भी लोकतंत्र खड़ा नहीं हो पाया, उसने भी परमाणु बम बना रखा है। परमाणु बम बनाने से कोई देश महाशक्ति नहीं बन जाता, वह भी होनी चाहिए कि दूसरा हमको दबा ना सके। इसलिए ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति और सैन्य शक्ति में, तीनों में जो महाशक्ति होगा वो विश्व का नेतृत्व करेगा। तो हमारा देश क्यों ना इन क्षेत्रों में आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के पतंजलि योगपीठ की ओर से बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरे देश भर में अभी हम चला रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसको बढ़ाएंगे और देश को महाशक्ति बनाएंगे। तो मैं कह रहा था इसी यज्ञ में अपने आहुति दी स्वर्गीय राजीव भाई ने, और उनके प्रति भी पूरा संगठन बहुत ऊंचा गौरव का भाव रखता है। यद्यपि कुछ लोगों ने राजीव भाई को लेकर के भी एक बहुत बड़ी जो है दुकानदारी खड़ी कर ली है कि राजीव भाई, मैं तो कहता हूँ कोई भी जो देश के लिए जीता है वो किसी की विरासत नहीं होता है, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो आचार्य बालकृष्ण हो, महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, गौतम कणाद, जमुनी, पाणिनि, पतंजलि, अपने ऋषियों की पावनी परंपरा, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, कोई व्यक्ति जो है वो किसी की बपोती नहीं होता है। हम भी राजीव भाई का हमने कोई पेटेंट नहीं करवा रखा है। हम कहते हैं जो भी स्वदेशी से प्यार करता है वो उनके विचारों से प्यार करे, लेकिन कुछ लोगों ने राजीव भाई का व्यवसायीकरण किया हुआ है। हम उस व्यवसायीकरण के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ, जो स्वर्गीय राजीव भाई का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, पहले भी उनकी कैसेटों के नाम पर व्यापार हुआ और उनका बहुत अनादर तिरस्कार हुआ। जब हमारे पास में आए थे उस समय रोते बिलखते मेरे पास राजीव भाई आए कि स्वामी जी, जो है इन कैसेटों ने और इस साहित्य ने मेरा जीना दुभर कर दिया है, मेरी जान पर आफत बनाई है। कि एक बहुत बड़ा समूह था
करीब उसका नेतृत्व करने वाले कुछ लोग थे, वो हर दिन किसी दिन 500 किसी दिन 1000 ईमेल भेजते थे स्वर्गीय राजीव भाई के बारे में और बहुत दुष्प्रचार करते थे। फिर अंततः राजीव भाई ने वह अपनी जो भी उनके पास में उन जो कुछ अर्जित था, एक भूमि थी वर्धा में, वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को दान दी। मैंने एक करीब एक वर्ष तक इस बात को लगातार उनसे कहा कि आप किसी भी ट्रस्ट को दान दे दीजिए, हमको दान नहीं चाहिए। स्वर्गीय राजीव भाई से हमने इस बात को कई बार कहा कि हमको ये दान नहीं चाहिए, आप रितम्भरा दीदी को दान दे दिए वात्सल्य ग्राम को, आप किसी गौशाला को दान दे दीजिए ज़मीन, हमको नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो भारत स्वाभिमान को ही देना है। यद्यपि राजीव भाई से भी प्रमाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जब वो भारत स्वाभिमान से नहीं जुड़े थे तो उनके मुख से भी कभी कभी वाणी का प्रमाद हो जाता है, तो ऐसे शब्द निकले। कभी कभी आदमी जो है जब वो जागरूक नहीं होता है तब वाणी का प्रमाद हो जाता है। तो ऐसे में उन्होंने चाहे हमें लेके या अपने संगठन को लेके कोई टिप्पणी भी कर दी, तो मुझे सब संज्ञान था जब वो मेरे पास आए, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि स्वामी जी मुझसे वाणी का प्रमाद हुआ है, कभी कभी आप मुझे माफ़ कर देना। तो हमने ये हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई ऐसा संदर्भ आता है तो वाणी का प्रमाद किसी से भी हो सकता है। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो एक निष्ठा से फिर उन्होंने स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन पुरुषार्थ किया। हम उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं और सभी से आज आह्वान करते हैं, जब कोई मानव पुरुषार्थ करता है तो उससे भी यदि कहीं पर भी कोई भूल भी हो जाए तो भी उसको हमें नहीं देखना होता है। वो भूल किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि जो है जीवन के इस उत्थान के क्रम में यदि मैं मान लीजिए 99% इस बात के लिए सजग रहता हूँ कि मैं सत्व से सदा प्रकाशित रहूँ, लेकिन एक क्षण के लिए भी वाणी से कोई प्रमाद हो सकता है, एक क्षण के लिए भी, तो उस इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा यानि अस्माकम सुचितानि तानि तो उपास्यानि नोहितराणि। तो ऐसी भावना के साथ हम आज के इस दिन को स्वदेशी दिवस के रूप में हम याद करते हैं, और आज एक संकल्प सब लेते हैं कि हम तो स्वदेशी का पालन करेंगे ही, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, खुद सत्य का आचरण करना, दूसरों से करवाना, खुद योग के पथ पर चलना, दूसरों से योग के पथ पर चलाना, खुद अहिंसा के मार्ग पर चलना, दूसरों को अहिंसा के मार्ग पर चलाना, खुद स्वदेशी के मार्ग पर चलना औरों को चलाना, खुद योग के मार्ग पर चलना औरों को चलाना, ये संगच्छध्वम संवदध्वम, माने सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को हम निर्वहन करते हुए आज सब संकल्प ने कि हम इस स्वदेशी के अभियान को बहुत दूर तक लेके जाएंगे, और स्वदेशी हमारे लिए कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। अभी भी पतंजलि योगपीठ परिवार के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से जो भी स्वदेशी का अभियान चल रहा है, इसका मकसद है स्वदेशी से राष्ट्र स्वावलंबी बने। हम वैयक्तिक जीवन में तब का पालन करते हुए जो हमारे पास सामर्थ्य है, समृद्धि है, उसका उपयोग हम सेवा में करें। और पूरे विश्व में एकमात्र पतंजलि आयुर्वेद ऐसा संस्थान है जो 100% जो कुछ उसमें लाभ आता है उसका उपयोग सेवा में करता है। और अभी भी पूरे देश भर में पहले 500 और उसके आगे कहाँ तक जाएगा, 5000 जाएगा या कहाँ तक जाएगा, या आगे अभियान जाएगा, ये शिक्षा का काम आगे बढ़ेगा, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय से एक पूर्ण जागृत, पूर्ण प्रकाशित ऐसे महामानवों का, दिव्य मानवों का, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व का निर्माण होगा, जिससे कि भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। ये काम आगे बढ़े, सब स्वदेशी का संकल्प लेंगे। मेरे साथ मंत्र बोलते हुए ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, और फिर राष्ट्राय स्वाहा के साथ सब स्वदेशी का व्रत लेंगे, सबको दिलवाएंगे। मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव भाई की एक ही दिन उनका ये पुण्यतिथि भी और एक ही दिन उनकी ये जन्मतिथि भी है, जो भी भगवान का विधान है उनके लिए भी हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं स्वदेशी का पालन करें और औरों को इसके लिए प्रेरित करें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् तन्मे राध्यताम् इदमहमन्विता सत्यमुपैमि स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम् राष्ट्राय इदन्नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम् राष्ट्राय इदन्नमः। ओम
राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ सर्वं वैहि पूर्णं स्वाहा, ॐ सर्वं वैहि पूर्णं स्वाहा, ॐ सर्वं वैहि पूर्णं स्वाहा।